कन्हैया सिंह राठौर जी, जिला जीपीएम, जिला अध्यक्ष बिलासपुर रामदेव गुमावत जी, आपसे आग्रह है पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। कोटा विधानसभा के प्रत्याशी प्रवर प्रताप सिंह जूदेव जी, आपसे भी आग्रह है कि स्वागत करें। मरवाही विधानसभा के प्रत्याशी श्री प्रणव कुमार मरपति जी से भी आग्रह है कि पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मोहित जायसवाल जी, जिला महामंत्री बिलासपुर, उनसे आग्रह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। लालजी यादव जी, आप भी स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा मंचस्थ समस्त अतिथियों से एक बड़ी माला से मंचस्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। सभी अतिथि आग्रह है एक बड़ी माला से हम सब स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष जो यहाँ पर है, मंडल अध्यक्ष भी आ जाएंगे स्वागत के लिए। स्वागत है भाई। स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए मैं उद्बोधन के लिए मरवाही विधानसभा के प्रत्याशी श्री प्रणव कुमार मरपति जी को आमंत्रित करता हूं कि आकर स्वागत हेतु मैं श्री कन्हैया सिंह राठौर अध्यक्ष जिला जीपीएम को आमंत्रित करता हूं आए हुए अतिथियों का स्वागत कर। भारत माता की छत्तीसगढ़ महतारी की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अरुण साव जिंदाबाद। मां नर्मदा के पावन धारा में अर्पा सोन की उद्गम स्थली जिला गौरेला पिंडा मरवाही में पधारे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय वैजयंत पांडे जी, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच में उपस्थित कोटा विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, मरवाही विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व सैनिक भाई प्रवर कुमार मरपट्टी जी, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष झारखंड एवं पूर्व सांसद माननीय यदुनाथ पांडे जी, जिला के प्रभारी डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के संभागी सह प्रभारी सम्माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, मरवाही विधानसभा के प्रभारी माननीय संजय अग्रवाल जी, कोटा विधानसभा के प्रभारी पवन गर्ग जी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, किसानों के हितैषी, गरीब मजदूर के लिए सदैव तत्पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपस्थित समस्त जन समुदाय को नमन करता हूं एवं आप सभी का भी इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब समाज बदलाव का आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कोटा एवं मरवाही के प्रत्याशी को कमल छाप पर बटन दबा कर छत्तीसगढ़ की लपरा और खगेश सरकार को खाक फेंकेंगे। आप सभी के वोट से अब बदलाव तय है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। मैं उद्बोधन की कड़ी में मैं मरवाही विधानसभा के प्रत्याशी माननीय श्री प्रणव कुमार मरपति जी को आमंत्रित करता हूं आकर इस जनसमुदाय को संबोधित करें। श्री प्रणव कुमार मरपति जी, बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की। आज के इस अवसर में उपस्थित विश्व के सबसे बड़े संगठन के हमारे मुखिया सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं आपका
मरवाही विधानसभा के गौरेला पेंडा मरवाही के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंचस्थ हमारे समस्त सम्माननीय बंधु और इस प्रांगण में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने हमेशा ही सेना को सम्मान की दृष्टि से देखा है और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सुरक्षा को महत्व दिया है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सेना के जवान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मरवाही विधानसभा का प्रत्याशी बनाए हैं। मैं समस्त सेना के हमारे विभिन्न अंगों से और जितने भी सुरक्षा बल हमारे भारत में हैं, उनके तरफ से भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर में उपस्थित मेरे भाइयों एवं बहनों, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस का सरकार आया है, तब से हमारे केंद्र के जितने भी अच्छे योजनाएं थे और हमारे 15 साल का रमन सरकार के कार्यकाल में जितने भी अच्छे अच्छे योजनाएं थे, उनको एक सिरे से भूपेश बघेल कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ में बंद करके रखा है। जबकि छत्तीसगढ़ गरीबों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है और हमारा मरवाही विधानसभा आप सबको मालूम है सिर्फ पंचायतों का विधानसभा है। मरवाही विधानसभा में सिर्फ ग्राम पंचायत है, उससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इन ग्राम पंचायतों में किस स्तर के लोग निवास करते हैं। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के लोग निवास करते हैं, लेकिन उनके पक्के आवास का जो सपना हमारे नरेंद्र मोदी जी दिए थे, उसको बंद करके गरीबों के साथ अन्याय करने का काम किया है। इसी प्रकार हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए थे, लेकिन जब से 2018 से इस योजना को भी छत्तीसगढ़ में बंद करके रखा है, ऐसे सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकना है। मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि गांव गांव गली से आवाज आ रहा है कि अब नहीं से दो बदलते रह दो। आप सब मेरे को आशीर्वाद देते हुए दोनों हाथ उठा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य जगत प्रकाश नड्डा जी को आश्वस्त करिए कि हम मरवाही विधानसभा में प्रणव कुमार मरपत्ती को मरवाही के विधानसभा के प्रत्याशी को जिताएंगे। बोल भारत माता की जय। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं कोटा विधानसभा के यशस्वी प्रत्याशी प्रवल प्रताप सिंह जुदे जी को आकर इस जनसभा को संबोधित करें। दोनों हाथ ऊपर उठा के विजय उद्घोष में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। नर्मदा मैया के इस पावन धरा में मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का सभी हमारे देवतुल्य जनता की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद देता हूं जो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कोटा का बेटा प्रबल आपको कभी निराश नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। भाइयों बहनों, ये एक धर्म युद्ध है। आसुरी शक्तियां पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रही हैं। हर तरफ भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंक, धर्मांतरण से ग्रसित हो रहा है छत्तीसगढ़।
ऐसे में हमको मां महामाया का शेर बन के इनका संहार करना है। 2003 में कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी जब ऐसी परिस्थितियां थी तब उन्होंने अपने मूंछों को दांव पे लगाया था कि नहीं लगाया था, और बोला था कि टाइगर जिंदा है, और ऐतिहासिक चुनाव हुए और पहली बार कमल का फूल खिला। वो इतिहास हम दोहराएंगे और इस बार भी कोटा में कमल का फूल खिलाएंगे। आइए मिलकर के एक नया इतिहास लिखें, अलिस लबरा भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकें। कोटा के कांटे को निकालना है कि नहीं निकालना है, जोर से बोलिए, निकालना है कि नहीं निकालना है, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब नहीं सही तो, अब नहीं सही तो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम जिनको सुनने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का तो मैं आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। भाई आवाज जरा जोर से आए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के कोटा विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रबल प्रताप सिंह जी, हमारे मरवाही के प्रत्याशी प्रणव कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी श्री बैजेंद्र जय पांडा जी, हमारे पूर्व सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी श्री यदुनाथ पांडे जी, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कन्हैया सिंह राठौर जी, इंद्रजीत सिंह गोल्डी जी, संजय अग्रवाल जी, पवन गर्ग जी, राकेश चतुर्वेदी जी, लालजी यादव जी, मोहित जायसवाल जी, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहां गौरेला में आया हूं तो निश्चित रूप से शहीद नारायण सिंह जी को, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान किया था, उनको याद करता हूं और नमन करता हूं। मैं शहीद गुंडाधर धुर जी को, जिन्होंने भूमकाल आंदोलन चलाया, उनको भी मैं नमन करता हूं। और जब मैं इस धरती पर आया हूं तो अपने वरिष्ठ साथी रहे, इसको कहीं भूपेश बघेल की बीमारी तो नहीं लग गई? जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं अपने साथी रहे जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को भी याद करता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां पर आया हूं तो एक दुखदाई खबर भी है
कि नारायणपुर में हमारा एक साथी कल जो हमारा अध्यक्ष था वह नक्सलाइट के हाथों नक्सलवाद के हाथों उसकी जीवन लीला समाप्त हुई है। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से रतन दुबे जी को श्रद्धांजलि भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार जनों को ताकत मिले इस दुख भरी घड़ी को सहने की। मित्रों, जब मैं यहां चुनाव की वेला में आया हूं, आप सब लोगों ने प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी को और प्रणव जी को चुनाव में 17 तारीख को जिताने का मन बना लिया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपकी इस ताली की गड़गड़ाहट से मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने दोनों को विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है, यह स्पष्ट दिखता है। जब मैं यहां आया हूं तो हम लोगों ने एक नारा सुना, आओ नहीं सहिबो बदल के रहिबो। यह बात बहुत जरूरी है। यह इसलिए नहीं कि हमको प्रबल को और प्रणब को भेजना है विधानसभा, यह इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का विकास के साथ 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अनाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अत्याचार होगा। और इसलिए औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, यह हमारी आवश्यकता है। और इसको बनाएगा कौन और बनाया किसने, बताइए। छत्तीसगढ़ को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया कि नहीं बनाया? आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को संवारा कि नहीं संवारा? आप बताइए, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में मोदी जी ने कोई कसर छोड़ी क्या? इसलिए हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे और गरीब जनता का ख्याल और उनको ताकत देने का काम हम ही करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। अभी दो दिन पहले हमारे गृह मंत्री आए थे, उन्होंने बताया आपको कि वह आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या क्या करेगी। और आपको जानकर के खुशी होगी कि कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल हम धान की खरीदी करेंगे और 3100 रुपए में धान की खरीदी करेंगे। बोलो, ये ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? आपका समर्थन मिलेगा ना? ये किसानों को नई ताकत देगा। उसी तरीके से बारदाने की भी सहूलियत हम देंगे और उसी तरीके से महतारी वंदन योजना के तहत हर विवाहित महिला को साल का 12,000 रुपया उनके दैनंदिन जीवन के खर्च के लिए दिया जाए। उसी तरीके से हमारे नौजवानों के लिए जो 1,00,000 रिक्त शासकीय पद हैं, सरकारी नौकरी है, ये समयबद्ध तरीके से 1,00,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये व्यवस्था की जाएगी। आपको मालूम है ना कि भूपेश बघेल ने आपका प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दिया था, मालूम है ना? मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिया था और बघेल मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया था। कितने मकान थे मालूम है आपको? 12,00,000 मकान रोक दिए थे। और अब हम इसका फैसला करते हैं
कि पहली कैबिनेट में 18 लाख मकान का पूरी मंजूरी दी जाएगी और 18 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। 18 लाख, उसमें शौचालय होगा, रसोई घर होगा, रहने के लिए कमरा होगा और साथ ही साथ गैस का चूल्हा भी होगा, यह व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ में कोनो घर बिना नल के ना रही, वो बिना नल के नहीं रहेगा, जल होगा और नल होगा घर में होगा, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से ये जो तेंदू पत्ता है हमारे आदिवासी भाई जो इकट्ठा करते हैं, इसके लिए हम हर मानक बोरा के लिए 5,500 रुपए की व्यवस्था करेंगे और तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वालों को 4,500 रुपए का बोनस भी देंगे और साथ में जो बघेल ने चरण पादुका की व्यवस्था बंद कर दी थी फिर से उनको चरण पादुका भी दिया जाएगा, उसकी भी हम आदिवासी भाइयों के लिए व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हमारे जो भूमिहीन किसान है, गरीब किसान है, जो किसी दूसरे की भूमि पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को 10,000 रुपए साल का उनके खर्च के लिए दिया जाएगा, यह भी व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे गरीब लोग हैं गांव के, उनको पहले हम आयुष्मान भारत में 5,00,000 रुपए साल का देते थे ताकि वो गंभीर बीमारी से लड़ सके, अब उनको साल में गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 10,00,000 रुपए प्रति साल दिया जाएगा और 500 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे जहां सस्ते दर पर दवाई मिलेगी, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पीएससी है, इसको साफ सुथरे तरीके से, ईमानदारी तरीके से युवाओं को नौकरी दी जाएगी और जो भूपेश बघेल ने घोटाला किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको जेल के पीछे डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। उसी तरीके से हमारे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जो बच्चियां हैं उनको 1,50,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनके जीवन में 1,50,000 रुपए को फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा और बहनों के लिए गैस के सिलेंडर पर अब 500 रुपए पर वो खरीदी होगी, 500 रुपए में उनको सिलेंडर मिलेगा, यह व्यवस्था की जाएगी। मित्रों आप बताइए, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं पीछे सुनना चाहता हूं, पीछे से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, आगे गया है कि नहीं गया है? आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल मोदी जी घोषणा करके गए हैं कि अब अगले 5 साल तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 1 किलो दाल दिया जाएगा ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। और आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं जिनको यह अन्न मिल रहा है? 2 करोड़ लोग हैं जिनको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जा रहा है और 1 किलो दाल दी जा रही है। इसका फर्क ये पड़ा है कि आज भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं क्योंकि उनके अन्न की व्यवस्था हो गई है, अब भारत में कोई भूखा नहीं सोता, यह व्यवस्था की गई है। और भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब 18 करोड़ मकान
बन करके आपको दिए जाए, 18 लाख मकान आपको दिए जाएंगे, ये व्यवस्था की गई है। उज्ज्वला में 35 लाख सिलेंडर दिए जा रहे हैं और अब आने वाले समय में 500 रुपए के रेट पर आपको मिलेगा, ये व्यवस्था भी की जाएगी। आयुष्मान भारत में 1,80,00,000 लोगों को दवाई दी जा रही है, अब 5 लाख की जगह पर 10 लाख दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान में 34 लाख इज्जत घर बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं और इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में जहां आगे बढ़ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था में आगे हम बढ़ रहे हैं, वहीं मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार घोटाले यूपीए के समय में हुए कि नहीं हुए, अगस्ता वेस्टलैंड में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, रेत घोटाला होता है कि नहीं होता है, खदान का घोटाला होता है कि नहीं होता है, वो घोटालों की सरकार और हमारी सरकार ईमानदारी से गरीब लोगों की सेवा करने वाली सरकार है। और इसीलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से विकास में हम लोगों ने योगदान किया है। आज बताइए, यहां पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये केंद्र सरकार के द्वारा नई नई स्कीमों में हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब रायपुर से लेकर के ये यदुनाथ जी आए हैं धनबाद तक, अब कॉरिडोर बनेगा और वो 4 लेन 6 लेन होगा, एक नई विकास की कहानी लिखी जाएगी। रायपुर से विशाखापट्टनम तक वह भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, सड़कें बनेगी, विकास होगा, अर्थ जगत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ करके आएगा, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। आप जब मैं यहां आया हूं, हमारे आदिवासी भाई हैं, तो मैं आदिवासी भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में आदिवासी भाइयों के लिए ट्राइबल के बजट को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना बढ़ा दिया गया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपके यहां जो शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी अनुसूचित जनजाति कंपोनेंट के लिए वो 5 गुना बजट बढ़ा दिया गया है, एकलव्य स्कूल के लिए 22 गुना बजट बढ़ाया गया है और प्रति आदिवासी विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप दुगनी कर दी गई, 2.5 गुनी कर दी गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां सिर्फ इस जगह के लिए यानी गोरेला के लिए, पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट के लिए नेशनल हेल्थ मिशन में 30 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा है, 30 करोड़ रुपए। अब आप बताइए, मैं आपको इतने आंकड़े दे रहा हूं, एक तरफ घोटाला जिसका नेता बघेल और एक तरफ मोदी जी जो सेवा में दिन रात लगे रहे हैं, बताइए आप कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, 17 तारीख को कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। प्रबल प्रताप जी हमारे कोटा के जो प्रत्याशी हैं, नौजवान हैं, दिलीप सिंह जुदेव जी के बेटे हैं, आगे इनको आपको समर्थन देना है। उसी तरीके से मरवाही के हमारे पूर्व भारतीय थल सेना में रहे हमारे प्रणव कुमार मरपची जी हैं, ये एक्स फौजी हैं, देश की सेवा की है, सरहदों में सेवा की है, अब मरवाही की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, इनको भी आप मौका दीजिए। मैं यहां जब मैं यहां इनके लिए आपसे वोट मांग रहा हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि इनको जिताएंगे तो मोदी जी के द्वारा विकास की गारंटी पक्की है, विकास की गारंटी। इनको अगर जिताएंगे तो आप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने की गारंटी पक्की है, इनको अगर आप जिताएंगे
तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 1,00,000 लोगों को नौकरी की गारंटी पक्की है। इनको अगर आप जिताएंगे तो प्रति एकड़ 3100 रुपए में धान की खरीदी की गारंटी पक्की है। इनको अगर आप जिताएंगे तो 1,800,000 लोगों का घर बनने की गारंटी पक्की है। लेकिन लेकिन अगर आप उनको लाए, वो आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, बघेल को लेकर आए, कांग्रेस को लेकर के आए, तो लूट की गारंटी पक्की है। आपके ऊपर डाका डाला जाएगा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? लूट की गारंटी पक्की है। आप बताओ बघेल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? शराब घोटाला हुआ कि नहीं 5 साल में? आप बताइए चावल खरीदी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का? 5,000 करोड़ रुपए का। आप बताइए कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? भैया बताओ कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 540 करोड़ रुपए का घोटाला है। गोठान घोटाला है कि नहीं है? गोठान घोटाला है कि नहीं है? और तो और छोड़ो, आपने कभी देखा गोबर में भी घोटाला कर दिया? गोबर में भी घोटाला कभी सोचा आपने? और बताइए टीचरों के ट्रांसफर में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए पब्लिक सर्विस कमीशन में नेता के बच्चे और अफसरों के बच्चे लगे कि नहीं लगे? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए बघेल की सरकार आती है तो घोटाला होने की गारंटी है। और अभी तो नया घोटाला आ गया, इन्होंने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव को भी नहीं छोड़ा। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें असीम दास ने बताया है 508 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए भूपेश बघेल को दिया गया है। ऐसे घोटालेबाज को आने देना क्या? आने देना क्या? अगर नहीं आने देना है तो प्रबल प्रताप और प्रणव को लेकर के आना है, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखिए ये कितने धोखेबाज हैं। बघेल ने कहा था कि नहीं कहा था कि बिजली का बिल कम करेंगे? किया क्या? किया क्या? बघेल ने कहा था नहीं कहा था कि वो बेरोजगार अलाउंस देगा, बेरोजगार भत्ता देगा? कहा था कि नहीं कहा था? नौजवान बताओ कहा था कि नहीं कहा था? मिला? मिला? आप बताइए कहा था कि नहीं कहा था कि 50,000 ट्राइबल शिक्षकों की भर्ती होगी? हो गई क्या? हो गई क्या? उसी तरीके से कहा था कि नहीं कहा था कि हम गैस सिलेंडर देंगे ट्राइबल भाइयों को? मिला क्या? आप बताइए उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम बहनों को 500 रुपए प्रति महीना अलाउंस भत्ता देंगे? मिला बहनों को? मिला क्या? मित्रों ये झूठी सरकार, ये सरकार जो भ्रष्टाचार करती है, ये सरकार जो घोटाला करती है, और कांग्रेस पार्टी और कुछ नहीं है, यह भ्रष्टाचार और कांग्रेस, कांग्रेस और करप्शन, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां धोखा होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां लूट होगा, जहां भाजपा होगी वहां विकास होगा, जहां भाजपा होगी वहां आपकी तरक्की होगी, जहां भाजपा होगी तो प्रदेश और देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दीजिए, इन दोनों को चुनाव जिता करके भेजिए। बोलिए जिताएंगे ना? 17 तारीख को कमल पर बटन दबाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आओ नहीं बदल के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिले के अध्यक्ष
श्री बिलासपुर के रामदेव कुमावत जी और जिला